तो मैं अपनी परंपरा छोड़ दूंगा। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये बात बोलते हुए, पहली बार हुआ ऐसा। आज मैं काफी लेट शूट कर रहा हूं। आज का वीडियो एक ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में और मेरे इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाउ डू आई मेंटेन माई सेल्फ आफ्टर कंज्यूमिंग सच हैवी मील्स? सो यस, डेफिनेटली मैं अपने मकबैंग्स में थोड़ी हैवी मील कंज्यूम करता हूँ, बट साथ ही साथ अपने नो शूट डेज में मैं उतना ही ख्याल रखता हूँ अपनी फिटनेस का भी। एक हेल्दी डाइट, आधा से एक घंटे का वर्कआउट, 10,000 स्टेप्स डेली चलना और एक हेल्दी स्लीप टाइम, ये कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं खास ख्याल रखता हूँ। एंड बिसाइड्स दिस, मैं ओजीवा का ACV माचा रोज पीता हूँ बिकॉज ये मेरा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है। और मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। यू गाइज मस्ट बी नोइंग द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ग्रीन टी, राइट? सो ACV माचा हैज डबल द बेनिफिट्स ऑफ दैट इन वेट लॉस बिकॉज ये आपका मेटाबॉलिज्म तेजी से बढ़ाता है। मैं इसे रोज कंज्यूम करता हूँ एंड इट इंप्रूव्स माई डाइजेशन ऑल्सो। इसके और भी बेनिफिट्स है, जैसे स्किन के लिए अच्छा होता, ओबेसिटी कम करता और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एंड आई बिलीव कि एक छोटा सा चेंज हमारे रूटीन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। ओजीवा प्लांट बेस्ड ACV माचा इज मेड फ्रॉम 100% नेचुरल एंड प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। जस्ट ऐड वन स्कूप इनटू 150 ml ऑफ हॉट और वार्म वाटर एंड एंजॉय द डिलीशियसनेस ऑफ ACV एंड माचा टुगेदर। आइडियल टाइम टू हैव इट इज 1 hour बिफोर योर मील एंड एनीवन अबव द एज ऑफ 12 years कैन हैव इट। तो अगर आपको भी ये ट्राई करना है तो आपके लिए मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और रही बात आज की वीडियो की, तो सावन का महीना है, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस वेदर में स्ट्रीट फूड से बेटर आई डोंट थिंक कुछ और हो सकता है। लेट्स क्विकली ओपन दिस अप। सो फाइनली दिस इज इट। आज ये सभी आइटम्स मैंने मंगा रखे हैं माटा रेस्टोरेंट से और मेरे पास है हाका नूडल्स विद मंचूरियन, कुरकुरे चीज मोमोज, अचारी वेज मोमोज, पनीर मैक्रोनी, चीज स्प्रिंग रोल, बटर चाउमीन, मलाई मोमो रोल, बटर मैगी, दही गोलगप्पे, बन टिक्की। ये सभी आइटम्स देख के आप ऑलरेडी बता सकते हो कि मैंने ये इतने सारे आइटम्स भावनाओं में बह के मंगा दिए हैं, बट मैं टेस्ट सब कुछ करूँगा। एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू अपनी परंपरा से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि ये सॉगी हो जाए, दही गोलगप्पे। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। लेट्स टेक इन। चाउमीन में ऑर्डर मैंने चीज स्प्रिंग रोल किए थे बट हाल फिलहाल इन्हें चीज नहीं दिख रहा है। ये नॉर्मल स्प्रिंग रोल है। स्टिल बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। दीज आर आई गेस अचारी मोमोज। एक बहुत ही अच्छा टैंगी सा फ्लेवर आ रहा है। Look at the color.
मजा आ गया। कुरकुरे चीज मोमोज, इसमें चीज है, चीज टेस्ट करते ही ना मेरी आत्मा खुश हो जाती है। एक किचन रोल होता है, ये डन। चॉपस्टिक से ट्राई करते हैं। बटर चाउमीन में ना बटर का उतना ज़्यादा टिंट नहीं आ रहा है, एक बहुत हल्का सा आ रहा है। यू गाइस कैन टेल, कि अपन चॉपस्टिक के बिगनर हैं। ये तो मुझे इससे ही फिनिश करना पड़ेगा। ये है मलाई मोमो रोल और लिटरली ये इतना ज़्यादा हैवी है जिसका हिसाब नहीं है। मतलब दिखने में तो हैवी लग ही रहा है बट ऐसे में इट इज़ प्रीटी हेफ्टी। अपने स्कूल टाइम में ना हम फुटबॉल खेलने जाया करते थे तो उस ग्राउंड के बगल में ही है माटा रेस्टोरेंट, तो वहाँ से हम मैक्रोनी खाया करते थे। उस टाइम पे तो मैक्रोनी ही इनकी सबसे ज़्यादा फेमस थी, पनीर मैक्रोनी, पनीर बीच में छुपा हुआ है। वो पुरानी वाली बात नहीं है, मुझे ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो चुके हैं माड्रास का कुछ भी टेस्ट किए हुए, बट ये मोमोज गजब हो रहे हैं। देखो आजकल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू है जिसकी वजह से मैं अपना होम वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं कर पाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी मील्स में छोटी से छोटी रखूँ। आज कुछ ज़्यादा ही क्रेविंग हो रही थी और मैंने इतने सारे आइटम्स मंगा दिए। बटर मैगी, टिफिन बॉक्स में हो जाती है ना जैसे, वैसी हो गई है। बटर चाउमीन में भी और बटर मैगी में भी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बटर का टेस्ट डोमिनेंट करेगा दोनों में ही,
बट उल्टा है। इनमें बटर का पता भी नहीं चल रहा है। स्पून में इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज उससे बड़े बाइट नहीं आ रहे, बट आई विल ट्राई कि स्पून मेरे दांतों में कम लगे। उतना मजा नहीं आया, साइड रखते हैं ताकि दूसरों के लिए जगह बने। और आज का रीति रिवाज स्टार्ट करने से पहले शाउट आउट टू अक्षय कुमार, उनका सबसे पहला कमेंट है मेरी लास्ट वीडियो में। ये है देहरादून का बर्गर बन टिक्की, देहरादून की गली गली में आपको मिल जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आर्यन गुप्ता का, व्हाट योर फादर एंड ब्रदर डू। सो माय फादर इज अ लॉयर और मेरे बड़े भाई मरीन इंजीनियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष श्रीवास्तव का, भाई रैपिड फायर चिकन और मटन, चिकन नान और लच्छा पराठा, प्लेन राइस और जीरा राइस और वेरी डिफिकल्ट योर सब्सक्राइबर और कोक माय सब्सक्राइबर। अगर आज के वीडियो में लोग बोलते हैं कि अपनी परंपरा छोड़ दो तो मैं अपनी परंपरा छोड़ दूंगा, बट प्लीज़ ऐसा लिखना मत, कोक से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है मील्स को कंज्यूम करना। विशाखा पाटिल ने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट वाज द हार्डेस्ट डिसीजन यू एवर हैड टू मेक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है विशाखा, बट इसका ना आंसर थोड़ा सा लंबा है। मैं आपके इस कमेंट का स्क्रीनशॉट रख के अपने पास सेव रख रहा हूँ और जिस भी दिन मैं लाइव आऊँगा सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन लूँगा। उपनयन कालिटा का क्वेश्चन है, भाई आप कौन सा बाइक यूज़ करते हैं। मेरे पास बुलेट क्लासिक 350 है, बट अब मैं उसको ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, कॉलेज टाइम में ही चलाता था, अब बहुत कम चलाता हूँ। खाना ऐसा होना चाहिए कि आप बाकी चीज़ें भूल जाओ, जो भी आपको वीडियो में करनी है या बोलनी है, जो जनरली होता बहुत है मेरे साथ। बट टुडे विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी रेस्टोरेंट, बट आज सो मानसी फलके ने पूछा है आपकी कोई सिस है एंड प्लीज टेक माय नेम। सो मानसी फलके, नहीं मेरी कोई सिस्टर नहीं है, हम सिर्फ दो भाई हैं, भानु भैया और मैं। सादिया खान का क्वेश्चन है अनकट वीडियोस से रिलेटेड। सो सादिया खान, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर रखा है अनकट वीडियोस के लिए, आप उस लिंक से ही मेरे अनकट वीडियोस देख सकते हो। अदरवाइज मेरे वीडियो के नीचे अभी ब्लू कलर का ज्वाइन बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी अनकट वीडियोस देख सकते हो। निमिषा शर्मा का कमेंट है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई रियली एंजॉय योर वीडियोस, थैंक यू सो मच। माय क्वेश्चन इज डू यू नॉट गेट एनी क्रेविंग्स ऑन योर नो शूट डेज। मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, इसलिए मैं अपने शूट डेज में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करके खाता हूँ इन सब चीज़ों को। मतलब कुछ
सोनाली अग्रवाल ने कमेंट किया है, आई हैवंट वॉच्ड योर वीडियो येट बट आई कैन टेल हाउ हैप्पी आई एम टू सी योर न्यू वीडियो, वॉज फीलिंग लो बट आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो आई विल फील गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, एंड मुझे सीरियसली नहीं पता कि आप लोगों का दिन अच्छा होता है मेरे वीडियोज़ देख के या नहीं होता, मुझे नहीं पता कि इन वीडियो का पर्पस वो है या नहीं है, बट स्टिल थैंक यू सो मच। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता कि आप लोगों का दिन अच्छा हो जाता है वीडियो देख के, वाह दिल खुश हो गया। देखो जो जो चीज़ें मेरे से खाई जा सकती थी मैंने वो सभी खा ली। आज सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हार गया, शायद कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ऑर्डर कर ली मैंने, बट स्टिल आई एम हैप्पी क्योंकि जितना भी अनटच्ड खाना है वो हम कल जो मेरे यहाँ काम करने के लिए आते हैं उन्हें खिला देंगे, और जो चीज़ें मैंने झूठी कर ली हैं वो या तो कल मैं खा लूँगा या फिर फैमिली वाले खा लेंगे। फूड इज़ एक्चुअली गुड, मेरा ही पेट भर चुका है इसलिए आज मुझे वीडियो यहीं एंड करना पड़ेगा। सो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये बात बोलते हुए, बट आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चंस पसंद आएंगे। आई विल कैच यू गाइज ऑन टू द नेक्स्ट वन, पीस।